तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 2 माछिल और 1 तंगधार में आतंकी ढेर हुए हैं। सेना के मुताबिक हमें आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सेना और पुलिस ने माछिल और तंगधार में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। सेना ने बताया कि दोनों जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी मारे गए आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ राजौरी में भी सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि राजौरी के खवास तहसील के लाठी दर्दिया इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ वाले इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने ट्रेसर राउंड से कुछ गोलियां भी चलाई थी। आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा में सेना एक्शन में है, जांच पड़ताल चल रही है, मुठभेड़ भी है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तंगधार में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ है, जिसमें से 1 आतंकी को मार गिराया गया है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकी मारे गए हैं। राजौरी में इनकाउंटर जारी है। राजौरी में जानकारी मिली थी कि आतंकी वहां पर हैं और आतंकियों की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल उस इलाके में पहुंची है। उस इलाके की घेराबंदी करके वहां पर सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा किया जा रहा है। अब ये तय हो गया है कि आतंकियों का अंत करना है और ये मुहिम भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना एक्शन में है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकी माछिल सेक्टर में ढेर किए गए हैं। तंगधार में 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों के घुसपैठ की सूचना खुफिया सूत्रों के जरिए मिली थी सुरक्षा बल को और उसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंची। हम आपको ये बता दें कि देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। सेना और पुलिस ने माछिल और तंगधार में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। संदिग्ध गतिविधियों के बीच फायरिंग शुरू हुई। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, इसीलिए उस इलाके की घेराबंदी अभी जारी है सुरक्षा बलों के द्वारा और इसके साथ ही वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। कुपवाड़ा इलाके में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी।